अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लाया झटपट से आसान और बच्चों और बड़ों सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी वेजिटेबल दलिया। इसके लिए हमने एक कुकर में थोड़ा सा एक बड़ा चम्मच तेल लिया है। इसमें हमने एक ही चम्मच इसमें क्यूमिन सीड डाले हैं, एक चम्मच बड़ा लहसुन अदरक का हमने पेस्ट डाला और उसको अच्छी तरह से हमने भून लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा भुनने के बाद इसकी महक निकल जाए जब लहसुन अदरक की, तो एक चम्मच हल्दी का, एक चम्मच हमने बड़ा लाल मिर्च पाउडर डाला है और अकॉर्डिंग टू टेस्ट अब अपने नमक डाल दीजिए। इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें सब्जियां डालेंगे जो हमने वेजिटेबल डालनी है दलिए में, वो डालेंगे। हम अपनी सब्जियों को दलिए में बिल्कुल घिस के डालेंगे ताकि बच्चे जो है वो आसानी से खा ले, वरना अगर बच्चों को सब्जियाँ दिखती हैं तो वो वैसे ही नखरे दिखाते हैं कि सब्ज़ी नहीं खाएंगे। इस तरह से करके डालेंगे तो सब्जियों का पता नहीं चलेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और हेल्दी भी हो जाएगा। यह हमने एक चुकंदर लिया है जिसको हमने घिस दिया है, एक अदद हमने छोटा शलजम लिया था उसको भी हमने अच्छी तरह से घिस लिया और एक आधा मूली को हमने घिस के इसमें शामिल कर लिया है। इसको शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर हम इसमें दलिया शामिल कर देंगे। दलिया हमने थोड़ी सी देर भिगो के रखा है ताकि थोड़ा सा वो नरम पड़े, और भीगने के बाद दलिया जब पकाते हैं तो वो फूलता भी अच्छी तरह है। अब हम इसमें 200 ग्राम के करीब भीगा हुआ दलिया डाल देंगे जिसको अच्छी तरह से धो लिया गया है। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ इसको लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और हमें कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी, ताकि हमारा हौसला बढ़े और आइंदा अच्छी अच्छी वीडियो लाने की हमेशा हमारी कोशिश रहे। इसमें हमने जब ये दलिया डाल दिया तो हम इसमें तकरीबन 1 लीटर इसमें पानी डालेंगे और इसको एक सीटी दे देंगे, क्योंकि दलिया है और भीगा हुआ है, सब्जियाँ भी हमारी बिल्कुल कद्दूकस हुई हुई हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक सीटी में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने देखें 1 लीटर अब पानी शामिल कर दिया और इसको बस सीटी लगा देंगे। जब तक हम सीटी लगा रहे हैं प्रेशर कुकर में, आप प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दलिए में एक सीटी आ चुकी है, अब हमने इसको बंद कर दिया था, प्रेशर ख़त्म होने के बाद हमने इसको खोला, देखिए हमारा दलिया बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको इससे ज़्यादा पतला रखना है तो आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसको अब बस सर्व कर लीजिए गर्मा गर्म और इसको गर्म मसाला डालेंगे, हरी मिर्च और हरे धनिया से ऊपर से गार्निश करेंगे। अगर छोटे बच्चे हैं तो हरी मिर्च आप इसके पिक कर सकते हैं, जिंजर जूलियन भी डाल सकते हैं, जिस तरह भी आपको पसंद हो आप इसको गार्निश करके खाएं। हमें दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक आसान अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।